जैसा कि आप सब जानते हैं कि शनि 11 मई को मकर राशि में वक्री हो चुके हैं। इसके साथ ही अब 13 मई को सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले शुक्र भी वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। वृष राशि जो कि शुक्र ग्रह की स्वय राशि है और इसके एक दिन बाद ही 14 मई को शुभ ग्रह गुरु भी वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष की दृष्टि से 6 ग्रहों के एक साथ वक्री होना एक दुर्लभ संयोग में से एक है। हम अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कि इन 6 ग्रहों के वक्री होने से 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जिसे मान सम्मान सुख और वैभव दाम्पत्य सुख एवं भोग विलासिता का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको वक्री शुक्र के कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन से परेशानियां दूर रहेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, ज्योतिष के अनुसार जातक की कुंडली में शुक्र शुभ होने पर इंसान को हंसमुख, मिलनसार और सभी को साथ लेकर चलने वाला होता है, लेकिन वक्री शुक्र के कारण जातक इन गुणों से उल्टा होता है। ऐसे में इंसान समाज में अधिक घुल मिल नहीं पाता, वो अधिक अकेला रहना पसंद करता है। शुक्र को प्रेम का जातक कहा जाता है, लेकिन अगर कुंडली के जन्मांग चक्र में शुक्र वक्री होकर द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक भोग विलास से दूरी ही बनाए रखता है। कई बार ऐसा जातक विलासिता से विमुख होकर संन्यास की ओर प्रवृत्त होने लगता है। शुक्र ग्रह की कुंडली में शुभ स्थिति जीवन को सुखमय और प्रेममय बनाती है, तो वक्री स्थिति खुशियों में कमी लाती है, व्यक्ति खींचा हुआ रहता है। नवग्रहों में शुक्र को सबसे चमकीला और सुंदर ग्रह माना गया है। शुक्र के मजबूत होने पर व्यक्ति आकर्षक और सुंदर होता है। कुंडली में वक्री शुक्र होने से धन की हानि होती है और पिता से अच्छे संबंध नहीं रह पाते, लेकिन शुक्र जब 12वें ग्रह में हो तो धन और उच्च पद प्रदान करता है। ज्योतिष के अनुसार जिस कुंडली में भी शुक्र की स्थिति शुभ होती है, ऐसे इंसान के प्रेम संबंध मधुर होते हैं। ये व्यक्ति कला प्रिय, सुंदर व श्रृंगार प्रिय होता है। तो वहीं शुक्र वक्री होने पर पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन में अशांति और कलह रहती है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं। इसके लिए घी और चावल का दान करें। श्रृंगार की वस्तुओं के दान से भी शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। शुक्रवार का व्रत करें, साथ अनाज दान करें और अपनी पत्नी का सम्मान करें। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।